जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्लास 8 के जिस तरफ तालिबा आज हम सूरतुल अनफाल का रुकू नंबर 5 पढ़ रहे थे, उसकी आयत नंबर जो है वो आज 43 के बारे में पढ़ेंगे। सूरतुल अनफाल का रुकू नंबर 5 और आयत नंबर जो है वो 43 है। आइए सबसे पहले इसके वर्ड्स मीनिंग जो हैं उनके बारे में देखते हैं। वाइजा और जब, वाओ का मानी और, इसका मानी जब, और जब यूरी का हम दिखा रहा था तुम्हें, यूरी का हम दिखा रहा था तुम्हें, कौन? अल्लाह। अल्लाह फी का मानी है में, मनामी का ख्वाब तुम्हारे या नींद तुम्हारी, कलीलन थोड़ा, वलो और अगर, आरा का हुम दिखाता तुम्हें उनको, दिखाता तुम्हें उनको, कसीरन ज्यादा, कसीरन का मानी क्या है? ज्यादा, लफशिन तुम जरूर हिम्मत हार जाते तुम, लफशिन तुम का मानी है जरूर हिम्मत हार जाते तुम, ले तनाज़ा तुम जरूर झगड़ा करते तुम, ले तनाज़ा तुम जरूर झगड़ा करते तुम, फी में अल अमर मामले में, अल अमर का मानी है मामला, वलाकिन अल्लाह और लेकर अल्लाह, सल्लमा बचा लिया, इन्नहु बेशक वो, अलीम जानने वाला है, बेजार सार या को वारिस के मानी, असदूर सीने, असदूर का मानी होता है सीने, मुराद दिलों की बात जी। अभी आप इसका देखें बा मुहावरा तर्जमा और लफ्जी तर्जमा जो है देखते हैं, कि लफ्ज जो मैं पढ़ता हूँ आप देखते जाएं। इस यूरीका हुमुल्लाह फी मनामिका, वो वक्त याद करो जब अल्लाह ने तुम्हें काफरों को दिखा दिया, फी मनामिका तुम्हारे ख्वाब में तुम्हारी नींद, यानी जिस वक्त अल्लाह ने तुम्हें ख्वाब में काफरों को थोड़ी तादाद में दिखाया, जिस वक्त अल्लाह ने तुम्हें ख्वाब में काफरों को थोड़ी तादाद में दिखा दी, यानी ख्वाब आया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिसमें काफरों की तादाद जो है इंतहाई क्लियर करके दिखा दी गई, और यानी वैसे तो काफरों की तादाद जंग के अंदर ज्यादा थी, लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से मुसलमानों को उनकी तादाद को नींद के अंदर, ख्वाब के अंदर कम करके दिखा दिया। वलो अराहुम कसीरन, और उनको तुम्हें क्या किया? कम करके दिखा। वलो और अराहुम हम दिखाता तुम्हें उनको, और अगर उन्हें क्या करता? कसीरन का मानी ज्यादा, और अगर उनकी तादाद तुम्हें ज्यादा ही दिखा देता, लफशिल तुम, तो तुम हिम्मत हार जाते। पूरा तर्जमा यहां पर यह होगा, उस वक्त अल्लाह ने तुम्हें ख्वाब में काफिरों की तादाद को थोड़ा करके दिखा दिया, और अगर वो बहुत ज्यादा करके दिखाता तो तुम लोग हिम्मत हार जाते, तुम लोग जी छोड़ देते। ला तनाज़ा तुम, वला ये लफ्ज़ है, वला तनाज़ा तुम, और तुम जरूर झगड़ा करने लगते, और तुम क्या करते? जरूर झगड़ा कर लेते, जो काम दरपेश था, जो काम करना था, जिस काम के लिए गए थे, तो उस काम के बारे में तुम जो है वो आपस में झगड़ा करने लगते। फिर अमर उस मामले में, वाफी कमानी में और अमर यानी उस काम के मामले में तुम एक दूसरे से झगड़ा करने लगते। वलाकिन अल्लाह सल्लमा, लेकर अल्लाह ने तुम्हें उससे क्या किया? बचा लिया, अल्लाह ताला ने तुम्हें उस झगड़े से क्या किया? बचा लिया। इन्नहु अलीमुन बिज़ाति सुदूर,
बेशक अल्लाह ताला जो है वो सीनों की बातों को भी जानता है, बेशक अल्लाह ताला सीने को, सीने वाली बात को या सीने के साथ जो बात है, मतलब जो तुम्हारे दिल में बात है उसको भी क्या करता है, जानता है। ये दफा सत्र का इसका बाप मुहावरा तर्जुमा शुरू सुन लें। रिजा जुरी को मिला और मनाम का करीन है, उस वक्त अल्लाह ने तुम्हें ख्वाब में काफिरों को थोड़ी तादाद करके दिखा दिया। वला अराकुम कसीरन लफशलतुम वला तनाज़तुम फिल अमर, और अगर वो तुम्हें उनकी तादाद ज्यादा करके दिखाता तो तुम जरूर हिम्मत हार जाते और आपस में इस मामले में झगड़ा करने लगते। वलकिन्नल्लाहा सल्लमा, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें इस झगड़े से बचा लिया। इन्ना वलीयुन बिज़ाति सुदूर, बेशक अल्लाह ताला जो है वो सीनों की बातों से भी अच्छी तरह वाकिफ है, तुम्हारे दिल की बातों को भी अच्छी तरह जानता है। तो जिस तरह आज आपने सूत्र रुकू नंबर 5 की आयत नंबर 43 के बारे में पढ़ा, जिसमें आपने वर्ड्स मीनिंग और इसके बाद मुहावरा तर्जुमा के बारे में पढ़ा, इंशाल्लाह कल जो है वह रुकू की लास्ट आयत होगी और ये इस तरह रुकू जो अपने इख्तिताम को पहुँच जाएगा। इसको साथ साथ आप इसका बाब मुहावरा लफ्ज़ी तर्जुमा दोनों जो है वो साथ साथ याद करते जाइए। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ताला आपका हमीना शेख।